सज्ज झालेला आहे. जय म्हसोबा पिंपलास. वेलकम शाहिद खान. कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपला हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. तर विकी स्पोर्ट चाविंद्रा सलामी जोडी पाठवायचे. विकी स्पोर्ट चाविंद्रा आतिश पाटील. विकी स्पोर्ट चाविंद्रा संघाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. सिद्धिक भावे आपण संपर्क साधायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्स. तर सामन्याला जेव्हा सुरुवात होईल, कारण सलामीची जोडी सुद्धा या ठिकाणी मार्गस्थ होते विकी स्पोर्ट चाविंद्रा संघाची. सामन्याला जेव्हा सुरुवात होईल तेव्हा समालोचन करण्यासाठी सज्ज होणार आहेत माझे सहकारी समालोचक शाहिद खान. तो दोनों ओपनर्स इस वक्त बीच मैदान पर आते हुए आज की रात का आखिरी मुकाबला. दोनों ओपनर्स इस वक्त बीच मैदान पर आज की रात का आखिरी मुकाबला म्हसोबा पिंपलास और विकी स्पोर्ट चाविंद्रा के बीच. विकी स्पोर्ट चाविंद्रा पहले बल्लेबाजी कर रही है. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर. स्ट्राइक पर है विजय, नॉन स्ट्राइक पर आतिश देवेंद्र. बीच पहली गेंद कारपेट के सारे खेला. वहां पर देखना है डायरेक्ट हिट अगर गेंद लगती तो वहां पर मुश्किल हो सकती थी विजय के लिए. आज की रात का आखिरी मुकाबला इस वक्त अहमदाबाद ट्रॉफी में चलता हुआ. कर भी रेगुलर क्रिकेट के कई मैचेस यहां पर हम देखेंगे और कई बड़ी टीमों को भी एक्शन में देखेंगे. कल महेंद्र स्पोर्ट्स भिवंडी तालुका की एक नंबर टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे. बहुत अच्छी गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर थी, पूरी तरह छकाया बैट्समैन आतिश पाटिल को. डॉट गेंद. एक चीज तो है हमने देखा इससे पहले कि जब तक बंटी स्पोर्ट्स बी ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखा तब तक वहां पर अच्छी गेंद साबित हुई, लेकिन जहां पर विकेटों में या लेग स्टंप पे रखा वहां पर गेंद मैदान के बाहर नजर आई. देवेंद्र इस बीच शॉर्ट गेंद बैटफुट पे चले गए, पावरफुल स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन. और इस तरीके की गेंद मैंने पहले ही कहा था कि शॉर्ट गेंदें बहुत ही महंगे साबित होती है और आपने देखा कि फुलर लेन गन्ने के बाद उन्होंने गेंद को शॉर्ट रखा था, आमंत्रित किया था बैट्समैन को गोली सर और गेंद को बाहर मार दिया आखिरकार आतिश पाटिल. ये अच्छे स्ट्राइकर है. संघाचा कर्णधार है आतिश आणि सलामीला आलेला आहे. शॉर्ट चेंडू अखुट्या पाय चेंडूचा समाचार घेतलेला आहे. चेंडूला भिरकावून दिलं होतं डीप मिडविकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. बिल्कुल सिक्सर से इस वक्त खाता खोला है आतिश ने. आतिश पाटिल देवेंद्र अब स्टंप के बाहर की गेंदी बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक निकाल दिया. देखना गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, बहुत बढ़िया फील्डिंग. 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए 2 रन से स्कोर इस वक्त 9 रन. पहली ओवर का खेल चल रहा है, आज की रात का आखिरी मुकाबला है. और वैसे भी विकी स्पोर्ट चाविंद्रा की तरफ हम देखते हैं तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप उनके पास मौजूद है गौली सर. म्हसोबा पिंपलास एक गांव की टीम है, इनका भी टीम वर्क तो बेहतरीन होना ही है. इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा उछाल प्राप्त हुआ था, खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, बीट हुए बैट्समैन. डॉट गेंद. कल ठीक 1 बजे हमारा शुरू होगा जिसमें एसपी स्पोर्ट्स और न्यू गांव देवी
हिवाली के बीच अब पहला मुकाबला देखने जा रहे हैं। फिर से शॉर्ट गेंद पुल किया, वहां पर गैप में कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कल ठीक 2 बजे दूसरा मुकाबला शुरू होगा एकवीरा इंटरप्राइजेस और सदानंद इंटरप्राइजेस के बीच। कल तीसरा मुकाबला रहेगा पीजी स्पोर्ट्स महापोली और विहान स्पोर्ट्स मित कुमार के बीच, एक और बड़ी टीम को आप एक्शन में देखेंगे। कल चौथा मुकाबला रहेगा वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा और आदर्श स्पोर्ट्स अंजुर फाटा के बीच। कल पांचवा मुकाबला रहेगा इस्लामिया स्पोर्ट्स और सहारा इंडियन के बीच। कल ठीक 6 बजे छठा मुकाबला रहेगा गेम्बे टिमगरपाड़ा एसएस नेटवर्क के बीच, ट्रिपल एस नेटवर्क के बीच। ये कड़ा संघर्ष रहेगा, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कल सातवां मुकाबला रहेगा भिवंडी तालुका की एक नंबर टीम महेंद्र स्पोर्ट्स और आरएन स्पोर्ट्स के बीच। कल आठवां मुकाबला मराठा पंजाब, एक और बड़ी टीम को हम एक्शन में देखेंगे, और साइस स्पोर्ट्स के बीच। कल कई बड़ी टीमें एक्शन में नजर आएंगी। कल आप मयूरेश इंटरप्राइजेस को भी एक्शन में देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स के सामने। कल दसवां मुकाबला रहेगा नक्श 11 और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बने यहां पर, दूसरा ओवर लेकर आ रहे कोटिया। इस बीच अगेंस्ट लॉक करना चाहते थे, वहां पर सही टाइमिंग नहीं, सही प्लेसमेंट नहीं, एक रन जरूर मिलेगा वहां पर, एक रन से स्कोर 14 रन। कल 11 बजे प्रिंस मूवीज और चौली कामतगर का करा संघर्ष रहेगा। कल आखिरी मुकाबला रहेगा जौली युवा कामतगर और आई गांव देवी खंडपे के बीच। कल ठीक 12 मुकाबले रहेंगे और कई बड़ी टीमों का आप एक्शन में देखेंगे, जहां मराठा पंजाब, महेंद्र स्पोर्ट्स, मित कुमार, मयूरेश इंटरप्राइजेस, जौली कामतगर। शॉर्ट गेंद, खड़े खड़े पुल किया आतिश ने, उनके खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए सिक्सर 6 रन। कल वीरेन स्पोर्ट्स को भी आप एक्शन में देखेंगे, सारा इंडियन, कई भिवंडी तालुका की नामचीन टीमें और कई खिलाड़ी अहमदाबाद चषक में नजर आएंगे। और एक चीज तो है यहाँ पर गौली सर, कि इस मैदान पे हम आकलन नहीं कर सकते कौन सी टीम बड़ी है, क्योंकि कोई भी टीम किसी भी टीम को यहाँ पर टक्कर दे सकती है, संघर्ष दे सकती है। और इस साल का क्रिकेट भी हमने देखा कुछ इसी तरीके का रहा है, कोई भी बड़ी टीम की तो खैर नहीं, वहाँ पर छोटे टीमों में जो परफॉर्मेंस किया है, चाहे कई इस साल की हमने टीमें देखी है जिसमें चाहे युतिका का एक नाम बहुत ही उभर कर आया है, इस साल उनका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, चाहे फिर वो प्रिंस मूवीज हो, चाहे वो मैगी 11, हालांकि एक अपसेट जरूर हुआ आज, मैगी 11 हार गई, कई टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर से शॉर्ट गेंद, इस वक्त धीमा किया था, देखना है खतरा हो सकता है रनआउट का मौका, लेकिन नहीं, वहां पर पहुंच गया आखिरकार, एक रन पूरा होता हुआ। चाहे अंजुमन स्पोर्ट्स हो, कई ऐसे टीमें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। स्कोर अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 21 रन, 21 विदाउट लॉस विकेट स्पोर्ट्स चाविंद्रा। दूसरे ओवर का इस वक्त खेल चलता हुआ, बहुत ही शॉर्ट गेंद और बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। इस तरीके की गेंद देना, मैं कहूंगा गवली सर, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, और ये बैट्समैन तो इंतजार करते रहते हैं यकीनन इस तरीके की गेंद को। अगदी बरोबर, अगदी आखूड टप्प्याचा चिंडू होता आणि भरपूर वेळ होता फलंदाजाकडे, पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये, पुल केला होता चिंडूला आणि डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा हा षटकार, छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 27 रन, 27 विदाउट लॉस। एक अच्छी पार्टनरशिप भी हो रही है, दोनों ओपनर्स भरपूर साथ निभा रहे हैं यहाँ पर, और वैसे भी जो ओपनर्स पे बहुत को डिपेंड रहता है गवली सर, हम देखते हैं अगर एक अच्छा लक्ष्य, एक अच्छा टारगेट आप को रखना हो तो ओपनर को शुरुआत अच्छी देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका अंत भी अच्छा होता है, जिसे आप अक्सर कहते हैं। तो उसी तरीके से हमने देखा कि अगर चेसिंग करनी है आपको, तो आपकी फिर से शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जब एक टारगेट को आपको छूना हो तो आपके ओपनर्स का बहुत अहम रोल रहता है। अंतर्राष्ट्रीय में भी हम देखते हैं कि अगर ओपनिंग जोड़ी जल्दी आउट होती है तो कहीं ना कहीं स्कोर दब सा जाता है, और अगर ओपनर जोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करे तो आप एक अच्छा लक्ष्य, एक अच्छा टारगेट रख पाते हैं। अगदी बरोबर, आपण म्हणतो की वेल बिगन इज हाफ डन, सुरुवात चांगली झाली तर अर्ध अधिक काम झाल्यासारखं असतं। एक चांगली सुरुवात आणि संघाचा कर्णधार फलंदाजी करतोय, हे महत्त्वाचं आहे।
धीमा किया इस वक्त, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह खोल के रख दिया था बैट्समैन को, डॉट गेंद। 27 रन टोटल तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है इस वक्त की स्पोर्ट चाविंद्रा। देखना है कि इससे पहले पिंपलास की एक टीम जीत अपने नाम दर्ज कर चुकी है। फिर से शॉट किया था, टॉप एज लगा इस वक्त, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने हैं 28, मतलब 14 के रन रेट से इस वक्त गवली सर विकी स्पोर्ट चाविंद्रा खेल रही है। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है। देखना है आखिरी 3 ओवर में क्या कुछ होगा। आगे का हाल सुनाने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद शाहिद खान। 2 षटकांच्या समाप्तीने एक दमदार सुरुवात, कारण सलामी जोडी खेळपट्टीवर आहे आणि 28 धावा झालेल्या आहेत 14 सरासरीने। याचप्रमाणे धावसंख्या जर जमवली तर मला असं वाटतं की 60 आकडा सहजगत्या पार होईल आणि फ्लड लाईट मध्ये 60 आकडा पार करणं हे मला असं वाटतं की थोडंसं कठीण होऊ शकतं। पण अजूनही 2 षटके झालेली आहेत, अजूनही चांगली गोलंदाजी झाली तर मात्र कमबॅक करू शकते या ठिकाणी जय मसोबा पिंपला संघ, खास करून संघाचा कर्णधार आतिश अतिशय चांगली फलंदाजी करतोय, पॉवर प्ले मध्ये चांगली फलंदाजी केली होती। आतापर्यंत आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेले अतिशय आणि विजय क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं यष्टीरक्षक एसटी पासून दूर, शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट बॅकआउट पॉइंट थर्ड या सर्कलच्या आत मध्ये, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात केले, त्यामुळे डीपिश पॉइंट, डीप कव्हर, वाईड ऑफ, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप वाईडिश मिड विकेट, डीप मिड विकेट आणि एक क्षेत्ररक्षक लॉंग लेगला तैनात आहे असं क्षेत्ररक्षण आहे। कौशल येतोय, हा चेंडू आणि पोल केलेला आहे आणि पॉवरफुल, शॉर्ट बॉल, अखूट टप्प्याचा चेंडू, भरपूर वेळ होता फलंदाजाकडे, चेंडूकडे नजर ठेवली, एक जागा बघितली, पोल केला आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर। बिल्कुल गवली सर, हमने देखा अभी तक जो तीसरा सिक्सर लगा है तीनों ही शॉर्ट गेंद पर लगा है, यानी बैट्समैन जो है वो शॉर्ट गेंद का इंतजार कर रहे हैं और गेंदबाज भी उसी तरीके की गेंद दे रहे हैं। और इस साल हमने देखा है कि थोड़ी सी उछाल जरूर है विकेट में और थोड़ा विकेट भी यहाँ पर बाकी आ गया, यही कारण है कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है और लगातार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं गेंदबाज। और जब बड़ी टीमें यहाँ पर खेलेगी तो हम देखने का बैटर रहेगा गेंदबाज और बल्ले के बीच में। शॉर्ट चेंडू आणि थोडेसे थांबून येतात, त्यामुळे भरपूर वेळ मिळतो या ठिकाणी फलंदाजाला विचार करण्याचा आणि एक जागा बघून खेळण्याचा। विजयाच्या बॅटमध्ये गेलेला षटकार होता, मला वाटते हा तिसरा षटकार आहे विजयाच्या बॅटमध्ये गेलेला। कौशल याला मात्र कट केलेल्या चेंडूला चांगला फटका आहे, चेंडू कव्हरकडे, डीप कव्हरला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये ताळमेल बघायला मिळालाय, समन्वय बघायला मिळालेला आहे। 2 धावा पूर्ण होत आहेत, धावसंख्या वेगाने वाढते, धावसंख्या होते 36। तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे, आपण जो सामना होते विकी स्पोर्ट चाविंद्रा विरुद्ध जय मसोबा पिंपलास, नाणेफेक जिंकून जो निर्णय घेतला होता विकी स्पोर्ट चाविंद्रा संघात कर्णधाराने अतिशयने, तो सध्या तरी योग्य वाटतोय। कौशल हा चेंडू मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाही आणि पंचांचा इशारा येतो, व्हाईट बॉल, पंच अमितराज साळवी, धावसंख्या झाली 37। 37 या वेळेला मात्र एक चांगला चेंडू म्हणता येईल, ऑन साइड ला खेळण्याचा प्रयत्न, खाली राहिला होता आणि सरळ निघून गेलेला यष्टी रक्षकाच्या हातात, निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती, थोडासा वेगातही हाताळला होता चेंडू,
उज्वेष्टीच्या बाहेर येऊन फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू बॅट मध्ये आलेला नव्हता, पट्ट्यामध्ये आलेला होता। निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे। याला मात्र ड्राइव्ह केल्याचे मिड ऑन वरना डीप मिड ऑन लातोय। पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे, चांगला क्षेत्ररक्षण डीप मधून जो लॉन्ग ऑनचा क्षेत्ररक्षण तो बंद, फक्त एकच धाव। धाव संख्या वाढते, धाव संख्या होते 38। अजूनही सलामी जोडी खेळपट्टीवर आहे। 38 धावांची भागीदारी, अतिशय वेगवान भागीदारी झाली दोघांमध्ये। संघाचा कर्णधार अतिशयने विजय मध्ये कौशल आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चुकतोय आणि पंच डेड बॉलचा इशारा करतायत। सुजाता सपोर्ट पिंपला संघाचे सर्व खेळाडू पाठीला की सुद्धा जय मसोबा पिंपला संघाचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी या ठिकाणी अजून पावते आपण समोरच्या गॅलरीमध्ये। यावेळेला मात्र चेंडू उजव्या अष्टीच्या बराचसा बाहेर जातोय, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा। धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 39। थोडासा स्वैर मारा या षटकामध्ये बघायला मिळतोय। कौशल यावेळेला पुन्हा एकदा चेंडू उजव्या अष्टीच्या बाहेर जातोय, धावबाद करण्याचा प्रयत्न होतोय, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा। बऱ्याचशा वेळेला हे ज्या अवंत धावा असतात शाहिद खान या थोड्याशा संघाला घातक ठरतात, पाहू शकतात। स्वैर चेंडू होता, वळला चेंडू आणि उज्वेष्टीच्या खूपच बाहेर निघून गेलेला आहे। बिलकुल गवली सर, एक्स्ट्रा रन वैसे भी हमने देखा है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, टीम के लिए यहाँ पर खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि एक तरीके का बोनस है हम कहेंगे वहां पर। कौशल याला मतलब शॉर्ट आर्म पुल केलेला आहे, चेंडूला जातोय मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, तोपर्यंत फक्त स्ट्राईक रोटेट होते, फलंदाज फक्त जागा बदलतो आणि एक धाव पूर्ण होते, धाव संख्या होते 41। अजूनही सलामी चेंडू खेळपट्टीवर आहे आणि दोन्हीही फलंदाज सकारात्मक खेळताना दिसत आहेत, दोघांना चेंडू फुटबॉल सारखा दिसतोय। ड्राइव किल्ला चेंडू जातोय, तो मिड ऑन वर थोडासा वाईड डीपला जातोय, धावबाद होण्याची शक्यता आहे, मात्र वाईड असा थ्रो येतोय, स्वैर असा थ्रो आणि दोन धावा पूर्ण होत आहेत। तीन षटकांचा खेळ पूर्ण होते आणि तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 43। म्हणजे आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर 14.33 च्या सरासरीने धाव जमवल्यात। मी सांगितलं होतं बॅटिंग पॉवर पे एक चांगला निर्णय शाहिद खान, कारण आपण पाहतोय की विकी स्पॉन चावीद्रा हा संघ चांगल्या स्थितीमध्ये, तीन षटकामध्ये 43 धावा झाल्या आहेत आणि एक फटकेबाजी करण्यासाठी बॅटिंग पॉवर प्ले। बिलकुल गवली सर सही सोच है यहाँ पर, कि हमने देखा कि पहले तीन ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है और बैटिंग पावर प्ले मतलब एक चिंता का विषय तो यहाँ पर प्लास के लिए जरूर होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर रन अच्छे बन चुके हैं। लेकिन अब देखना यहाँ पर कि पहले दो ओवर हमने देखा कि जो 28 रन बने थे उसके बाद कंटिन्यू उन्होंने वही स्पेल रखा है, मतलब अभी तक कोई अच्छा ओवर तो नहीं आया पिंपलास की तरफ से, लेकिन बल्लेबाजी चाविंदा की तरफ से बहुत अच्छी हो रही है। यानंतर जी दोन षटके आहेत, या दोन षटकामध्ये थोडासा कमबॅक करायचा असेल तर किफायती गोलंदाजी होणं गरजेचं आहे आणि फलंदाज बाद होणं गरजेचं आहे, कारण दोन्ही फलंदाज खास करून संघाचा कर्णधार आतिश खेळपट्टीवर आहे, विजय खेळपट्टीवर आहेत, सकारात्मक खेळताना दिसत आहेत, दोघांनाही चेंडू फुटबॉल सारखा दिसतोय, ज्याप्रमाणे खेळत आहेत सहज घेत समाचार घेत आहेत, एकेरी दुहेरी धावा घेत आहेत, खराब चेंडू मिळाल्यानंतर त्याचा समाचार घेतला जातो, त्याला सीमारेषेचा रस्ता दाखवला जातो, चांगल्या चेंडूचा सन्मान केला जातो, स्ट्राईक रोटेट केली जाते आणि हे क्रिकेटचं काही तत्व आहे त्यानुसार खेळलं जात आहे। वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे, पहिली ऑफिशियल वॉर्निंग या ठिकाणी पंचाने दिलेली आहे जय मसोबा पिंपला संघाला। याला म्हणतो बॉल बॅक ठेवा, धावबाची शक्यता आहे, मला वाटतं एकच असं शक्यता होती की धावबाच्या रूपाने फलंदाज बाद होऊ शकत होता आणि धावबाच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेला आहे। संघाचा कर्णधार अतिश बाद झालेला आहे, मात्र आपलं काम त्याने चोख केलेलं आहे,
अपने संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेला आहे, त्यानंतर धावपळ झालेला आहे। टाळ्यांचा आवाज आपण जो ऐकतात, त्यांचे पाठीराखे, त्यांचे सहकारी त्याचं स्वागत करतायत, अभिनंदन करतायत। 20 धावांची खेळी केली होती, 2 षटकार आणि 1 चौकार मारला होता आणि आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेला आहे। त्रेचाळीस धावांची पार्टनरशिप, यावेळेला मात्र चेंडू अनपेक्षित खाली जातोय आणि सरळ निघून जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातात। निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती। रुपेश संघाचा कर्णधार आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, फलंदाजी करण्यासाठी आले ते विशाल। विशाल मात्र नॉन स्ट्राइक रेंजला उभा आहे। खेळण्यासाठी सज्ज होते विजय। यावेळेला फटका खेळ चेंडू हवेत आहे आणि यावेळेला मात्र जीवनदान मिळतंय, आयुष्यमान भाऊचा आशीर्वाद मिळतोय। सोपा झेल सुटतोय आणि त्यावर एक धावी मिळते। चव्वेचाळीस धावा झालेल्या आहेत। रुपेश हा चेंडू मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, कारण उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर आहे आणि पंच गोकुलदास पाटील यांचा इशारा येतोय व्हाइट बॉल। धावसंख्या झालेली 45, 45। चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे। यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, अतिशय चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे बीट झालेला आहे, पूर्णपणे चकित झालेला आहे। निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती। हे षटक जर आपण बघितलं तर एक चांगलं षटक म्हणता येईल। आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत। कमबॅक करतोय संघाचा कर्णधार रुपेश। विकी स्पोर्ट चाविंद्र संघ कर्णधाराने एक चांगली फलंदाजी केली होती आणि मसोबा संघाचा कर्णधार चांगली गोलंदाजी करतोय। यावर मात्र पुल आणि पॉवरफुल डीप वाईडिश मिड विकेट सीमापार षटकार। आणि याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत। आपण जो टाळ्यांचा आवाज ऐकतोय, विकी स्पोर्ट्स चाविंद्र संघाच्या 50 धावा पूर्ण होत आहेत। 51 धावा झालेल्या आहेत। आणि चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे। मी सुरुवातीला सांगितलं होते की सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये 28 धावा आणि याप्रमाणे धावसंख्या झाल्या त्या 60 आकडा सहजगत्या पार होईल। 60 आकडा जर पार झाला, याला मात्र स्वीप केलेल्या चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय का बघायचं आहे। मला वाटतं त्या ठिकाणी आउटफील्ड थोडस खराब होत आणि फक्त 2 धाव मिळतात। अनपेक्षितपणे 2 धावा कमी झालेल्या आहेत। नक्कीच इंटरेस्टिंग टू सी इन रिप्ले। रिप्ले मध्ये पाहणं हे मनोरंजक ठरेल। चेंडू कशा प्रकारे सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला नाहीये। त्रेपन्न धावा झालेल्या आहेत। 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय। धावसंख्या झाली 53। धावगती जर संदेश पाटील आपण बघितली तर आतापर्यंत सुरुवातीपासून जी धावगती होती ती राखलेली आहे। आतापर्यंत आपण पाहतोय 13.25। आमचे एक्सपर्ट स्कोरर सुभाष धुमा आहेत, हे माहिती पुरवत आहेत की 13.25 या सरासरी धाव जमवले आहेत। अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। देवेंद्र येतोय। याला मात्र स्लॉग केलेला आहे, डीप मिड विकेट सीमापार षटकार। उजव्या अष्टीच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला खेचून मारलेला आहे, डीप मिड विकेट सीमापार षटकार।
धाव संख्या वेगाने वाढते, धाव संख्या झालेली 59 59 60 चा आकडा जर पार झाला तर मात्र फलंदाजी करताना एक जबरदस्त मानसिक दबाव येऊ शकतो जे मसुदा पिंपळा संघावर। विजय 27 धावांवर खेळतोय, या स्पर्धेमधील सर्वोच्च धावसंख्या जर कोणाची असेल तर ते संदेश, जे बोलणार सुनील बाळा 65 धावा। याला पण सिटेड बॅटर स्ट्रोक, यावेळेला मात्र झावं लागणार आहे, लॉंग ऑन सीमारेषेवर चांगला झेल। विजय बाद झालेला मात्र आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेला आहे। आपण त्याचे सहकारी टाळ्यांचं टाळ्यांचे स्वागत करतायत, आपण टाळ्यांचा आवाज ऐकतोय। 27 धावांची खेळ गेली होती, पाहू शकता आपण कशा प्रकारे झेल घेते, लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आणि लॉंग ऑनला एक चांगला झेल। आता मात्र विवेक पाटील येतोय, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर विवेक पाटील, एक उत्कृष्ट असा फलंदाज आहे, मधल्या फळीतील बिलॉंग टू खांडवल। परंतु फारशी संधी मिळणार नाही, कारण या षटकातले किती चेंडू बाकी आहेत, फक्त 3 चेंडू। हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचंय देवेंद्र, नाही फलंदाज प्रभाकर एक पिंच हिटर फटकेबाज फलंदाज म्हणजे जी ख्याती आहे प्रभाकर। प्रभाकर बिलॉंग्स टू निंबोली, त्या परिसरातील संघ आहे, खरं त्या परिसरातील क्रिकेटर या संघावर खेळताना दिसत आहेत। आमचे सुभाष धुमाळ हे 3-1 आहेत, हे सुद्धा परिसरातील गोरसईचे आहेत। देवेंद्र यावर मात्र लाभ केलेला आहे, चेंडू हवेत आहे आणि हॅट्रिक पूर्ण होते का बघायची, आणि हॅट्रिक पूर्ण करतोय, 0-0 बाद होतोय विवेक। पहिली हॅट्रिक रेग्युलर क्रिकेटची, पहिली विकेटची हॅट्रिक, रेग्युलर क्रिकेटची पहिली विकेटची हॅट्रिक। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा आपण जर विचार केला, आपण पाहू शकता लॉंग ऑनला एक चांगला झेल घेतलेला आहे, आणि अमदार चषक 2017 रेग्युलर क्रिकेटची पहिली हॅट्रिक, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा आपण जर विचार केला तर टेस्ट क्रिकेटची पहिली हॅट्रिक FR सुपोर्ट यांनी रॉयल मॅकिनॉन आणि एमिट या 3 फलंदाजांना बाद केलं होतं। वन डे क्रिकेटची पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती पाकिस्तानचा जलालुद्दीन यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या 3 फलंदाजांना बाद केलं होतं, आणि T20ची हॅट्रिक केली होती ब्रेटली ऑस्ट्रेलियाचा पहिली हॅट्रिक। रॉडनी मार्श, ब्रुस हॅडली आणि जेफ लॉसन या 3 फलंदाजांना ऑस्ट्रेलियाच्या बाद केलं होतं जलालुद्दीन यांनी। आणि बांगलादेश विरुद्ध ब्रेटलीने पहिली हॅट्रिक केली होती 20 क्रिकेटची। देवेंद्र याला मात्र चेंडू लॉस्ट ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, 4 धावांसाठी चौकार 22 रुपयाने मिळाले 4 धावा, चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते, धावसंख्या झाली 63। डीजे दीपेश देवेंद्र यावेळेला मात्र थोडासा उज्वेष्टीच्या बाहेर जाणार चेंडू, निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते, आणि एक शेवटचं जे स्लॉग वरचं षटक आहे ते मला वाटतं अतिशय यशस्वी षटक पूर्ण होतंय, कारण पहिली हॅट्रिक या षटकामध्ये पूर्ण केलेली आहे, 63 धावा झालेल्या आहेत आणि 64 धावांचं लक्ष, 64 धावांचं एक लक्ष आणि लक्षाचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होणार आहेत माझे सहकारी समालोचक, माझे परम मित्र व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा फलंदाबाज सिद्दीक भावे। धन्यवाद गवली सर, लक्ष्य आहे 64 रनों का, आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा है 12 के ऊपर। ये देखिए हमारे कैमरामैन
दिखाया जा रहा है वहां पर हाथ हलाते हुए। प्रिंस मूवीज के लिए भी ये सीजन काफी बिजी रहा है और जब से बाली ट्रॉफी चली है कोई भी रात 3 बजे से पहले खत्म नहीं हुए। ये देखिए आमदार रुपेश मात्रे, हमारे अरुण पाटिल जी, ये देखिए आसमान से बातें करती हुई दो इमारतें। लक्ष्य रखा है 64 रनों का। विकी स्पोर्ट चाविंद्रा ने मसोबा पिंपलास के सामने। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला है, कल ठीक 1 बजे सिटी क्रिकेट की शुरुआत हो जाएंगी। कल के जो मैचेस हैं 12 मुकाबले कल खेले जाने हैं। कल पहला मुकाबला एसपी स्पोर्ट शकील पापा फैम टीम और न्यू गावदेवी हिवाली के बीच में, दूसरा मुकाबला एक्वीरा इंटरप्राइजेस और सदानंद इंटरप्राइजेस, तीसरा मुकाबला पंडित गायकॉट फैम टीम पीजी स्पोर्ट मापोली और दिनेश चौधरी फैम टीम व्यान मित कुमार, चौथा मुकाबला बुम बुम सुभाष ठाकरे फैम टीम वीरेन स्पोर्ट बनाम आदर्श स्पोर्ट्स अंजूर फाटा, कल पांचवा मुकाबला इस्लामिया स्पोर्ट्स बनाम सहारा इंडियंस भवन पाटिल फैम टीम, कल छठा मुकाबला जय अम्बे टिमगढ़ पाड़ा और ट्रिपल एस केबल नेटवर्क राजेश शेट्टी फैम टीम, कल सातवां मुकाबला नंबर वन आमदार की नंबर वन टीम महेंद्रा स्पोर्ट्स बनाम आर्यन स्पोर्ट्स, कल आठवां मुकाबला योगेश भोईर फैम टीम मराठा पंजाब बनाम साइंस स्पोर्ट खारबाव, कल नवा मुकाबला मयूरेश इंटरप्राइजेस संजय मात्रे फैम टीम और नेशनल स्पोर्ट्स के बीच में, कल दसवां मुकाबला नक्श 11 और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में सरफराज बाबू खान फैम टीम, कल 11वां मुकाबला प्रिंस मूवीज रवि गुलवी फैम टीम बनाम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़, कल आखिरी मुकाबला जॉली युवा कामतगढ़ और आई गावदेवी खानपे के बीच में। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, चुनौती है 64 रनों की। गेंदबाजी के लिए कैलाश को बुलाया गया है, श्याम नाइक गैलरी एंड जो कि हमारा अपोजिट एंड है दूर वाले छोर से। पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद तेज निकल गई, बहुत तेज बल्ला चला दिया था वहां पे क्रीज बॉक्स से बैट्समैन ने। समय काफी हो चुका है, इस वक्त मध्य रात्रि के 2:12 हुए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए कैलाश, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा बार किया वाइट, 1 रन से खाता खुला मसोबा पिंपलास का। पप्पू सामना कर रहे हैं कैलाश का। भारतीय फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे रहते हैं, पहले आया था कि पप्पू कान डांस आला, इन्हें पप्पू डांस नहीं कर सकता, बाद में आया कि डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। बढ़िया गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइट, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे गेंदबाजी कैलाश। पीछे गेंद रिवर्स स्वीप किया सीधा शॉर्ट टर्मिन पे 1 रन।
एक रन से दो पे पहुंचा स्कोर। काफी शांत क्रिकेट चलता हुआ कैलाश दिगंबर के लिए। इस मरतबा सीधे प्लेट से गेंद को उछाल दिया लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ एक रन बनता हुआ स्कोर में, तीन पे पहुंचा स्कोर। विक्की स्पॉट चाविंद्रा जो पिछले सीजन में चार रन हो चुके हैं, पिछले सीजन में अच्छी फॉर्म में थी, हालांकि विक्की स्पॉट चाविंद्रा का शो लेट देवीदास कप को भी महेंद्रा ने जीता था चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। कैलाश फिर से बहुत ज्यादा बार नो बॉल, फ्रीट ओवर स्टैपिंग कर दिए वहां पर कैलाश ने। तेज गेंदबाजों के साथ लगा रहता है कि जोश में ओवर स्टैपिंग करते हैं, वैसे भी गेंद वाइड थी लेकिन नो बॉल और फ्रीट का इशारा आता हुआ पांच पे पहुंचा स्कोर। पांच रन बिना किसी विकेट के। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं कैलाश। समझाबा बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन फ्री हिट है, बैट्समैन को पता था वहां पर, हालांकि विकेट कीपर थोड़ा बहुत जश्न मनाने जा रहे थे आतिश, बाद में बैट्समैन के हाथ को देखा, अच्छी गेंद थी और बल्ले का मोटा सिरा लिया था, दूर से खेले थे वहां पे बैट्समैन। लगातार कैलाश दूसरे मोहल्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, पटरी पे नहीं चल रही गाड़ी। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथों में गेंद बैठती नहीं, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। छह रन बिना किसी विकेट के। अच्छी गेंद बैकलिफ को नीचा रख के ड्राइव करते हुए कवस में एक रन बनाए, दूसरे के लिए निकल पड़े, तेज थ्रो लेकिन थ्रो काफी वाइड, अच्छा बैकअप, दो रन पूरे। इन दो रनों से आठ रनों पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के, एट विदाउट लॉस। करारा ड्राइव ऑन दी अप खेला, गेंद को वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, एक रन। ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर नौ रन कोई विकेट नहीं। ये देखिए मात्रे परिवार, आमदार रुपेश मात्रे, लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे। ये देखिए कमांडो बाइक, एक हजार रुपये के कूपन पे 2.5 लाख के अमेरिकन कमांडो बाइक। मनोहर तरे अभी भी बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया गेंदबाज जीतू को, 2000
13 और 14 का जो सत्र था, 14 और 15 का, उसमें जीतू बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। पहली गेंद हुक कर दिया और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, हुक कर दिया गेंद को, गेंद के लाइन के अंदर आकर 6 रन स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 15 रनों पर। ये देखिए, अपने आप को लाइन से हटा दिया था, बेहतरीन हुक शॉट, वाइडिश फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में गेंद जाती हुई, 6 रन। पंद्रह पे पहुंचा है स्कोर बॉल बॉय मैदान में जाते हुए। खेल की शुरुआत होती हुई, गेंदबाजी कर रहे हैं जीतू, सामना कर रहे हैं बैट्समैन पप्पू। बढ़िया गेंद, अपील LBW की, गेंद शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गई है लेग बाय के रूप में, हालांकि बहुत ही विश्वसनीय है, अपील की थी वहां पे गेंदबाज जीतू ने। 17 पे पहुंचा स्कोर, बकौल अंपायर के इंपैक्ट लेग स्टंप के बाहर था। 17 रन बिना किसी विकेट के, 16 रन, दूसरा ओवर चल रहा है और लक्ष्य है 64 रनों का। कोशिश हो रही है यहां पर, दिगंबर सामना कर रहे हैं जीतू का। बैटिंग पावर प्ले अभी भी बचा हुआ है। अच्छी गेंद, ब्लॉक होल्ड में थी, स्विंगिंग यॉर्कर बल्ले की जड़ से टकराई, रन चुरा लिया। अब बल्लेबाज रन चुराए या कोई दिल चुराए, खबर तो चुराने की बात होती है। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गया इनको, फ्लिक स्ट्रोक, 6 रन। जाग गए वहां पे पिंपलास के समर्थक। मसोबा जो पिंपलास के खाड़ी का तूफान है, वो अब यहां शुरू होने की तैयारी में। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा मैक्सवेल के अंदाज में, फ्रंट फुट फ्लिक स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 23 रन। अंपायर के पास 2 से 3 बॉल दे के रखना है। मैच में वापसी करती हुई पिंपलास, 23 रन बिना किसी विकेट के, दूसरा ओवर चल रहा है और जो आस्किंग रन रेट चाहिए उस पर चलती हुई। लेकिन ये मुकाबला जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हालांकि ऐसे समय कई मर्तबा सुपर ओवर हो चुका है,
राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से स्वीप करने की कोशिश, रन चुरा लिया वहां पे बल्लेबाजों ने, एक रन से स्कोर लेग बाई के रूप में बढ़ता हुआ 24 पे पहुंचा है। अभी भी 40 रन चाहिए 3.1 ओवर में। एक पिंपलास टीम तो बहुत ही एक तरफा अपना मुकाबला जीत गई, सुजाता पिंपलास इस वक्त मसोबा पिंपलास बल्लेबाजी कर रही है, 64 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। फुल टॉस गेंद, ड्राइव करते हुए छोटी बैकलिफ से गेंद को वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ उठाया, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया, 2 रन पूरे। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बने, 3 ओवर में 38 रन चाहिए, लेकिन प्लस पॉइंट ये कि बैटिंग पावर प्ले अभी बचा हुआ है। अठारह गेंदे 38 रन, पानी पिया जा रहा है वहां पर, देखना है पानी पी के बल्लेबाज क्या गेंदबाजों को पानी पिलाते हैं या खुद ठंडे हो जाते हैं। लेकिन पानी पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। अमदार चषक 2017 प्रिंस मोबिस टेलीकास्ट दुनिया का किंग, फेसबुक और यूट्यूब पे हमारा टेलीकास्ट पहुंच रहा है। यूट्यूब पे आपको अमदार चषक 2017 टाइप करना है और फेसबुक पे आपको प्रिंस मोबिस टाइप करना है। गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से सोमेश को बुलाया गया है। पहली गेंद बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे खेला, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, रॉन्ग एंड थ्रो और 2 रन पूरे। चामिंद्रा की जो फील्डिंग है उस पर अब क्वेश्चन मार्क लग चुका है। गेंद को बहुत अच्छे से पकड़ा था विशाल ने, लेकिन थ्रो उनका रॉन्ग एंड पे आया था। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पे पहुंचा है मसोबा पिंपलास का, कोई विकेट नहीं। एक प्लस पॉइंट ये है सुभाष धुमाल कि जब आपके पास 10 विकेट रहते हैं तो आपको मानो लाइसेंस मिल जाता है बल्लेबाजी करने का, आप रिस्क ले सकते हैं। ले लिया रिस्क, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, रिवर्स स्वीप करना चाहता वहां पर। अब एक बात ये भी है, सुभाष धुमाल के घी जब सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ा करने की जरूरत क्या है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सोमेश, इस मरतबा शॉर्ट आर्म पुल जमीन के सहारे, बॉटम ऑफ द बैट गेंद लगी है, 1 रन बनता हुआ स्कोर में 29 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। सोमेश अच्छी गेंद, नीचे बैठ गई थी, आम एक्शन छोटा इसलिए उनकी गेंदें ज्यादा उछाल प्राप्त नहीं करती है। अभी भी मुकाबला बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ रहा है, 29 रन बिना किसी विकेट के, तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। सोमेश इस मरतबा ग्लांस करने की कोशिश, सवाल पूछा, हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं, लेग बाय, इंपैक्ट जो रहा होगा ऑफ स्टंप के बाहर रहा होगा। 1 रन से 30 रन, सोमेश ने इस ओवर में रनों पे रोक लगा दी है,
आप बची हुई 14 गेंदों में जीतने, 13 गेंदों में जीतने के लिए काफी रन चाहिए, 34 रन चाहिए। सोमेज इस मरतबा मिस टाइम स्टोक है, एक रन बना है दूसरे के लिए, निकल पड़े हैं फिर दो रन पूरे, स्लॉपी वर्क आउटफील्ड में। ऐसा लग रहा है कि विशाल के बालों में तो जेल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गेंदे जिस तरह छूट रही मानो हाथों में तेल। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 32 रन, 3 ओवर, 2 ओवर में 32 चाहिए और बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। डू और डाई की स्थिति में मसोबा पिंपलास। तीन ओवर 32 रन, देखना है गेंदबाजी को किसको बुलाया गया है। बैटिंग पावर प्ले सूरज को बुलाया गया है। हालांकि सूरज किस तरह गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब से 4 घंटे के बाद सूरज निकल जाएगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे बैट्समैन दिगंबर। पहली गेंद बॉलर बैक ड्राइव और यही मौका था कि बैट्समैन आखिरकार रन आउट होके जा रहे। बत्तीस रन, 11 गेंदों में 32 रन चाहिए नए बैट्समैन पप्पू का साथ निभाने। रुपेश आए, सूरज समय में कॉपरेट करें प्लीज। मध्य रात्रि के 2:31 हुआ चाहते हैं भारतीय समय के अनुसार। राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। अपने रनअप को फिर से नापते हुए सूरज। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, एक वाइड मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, जबकि तमाम खिलाड़ी सर्कल के अंदर। सूरज पप्पू के लिए, छोटी गेंद हुक कर दिया गेंद को, पहले बाउंस पर गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। पहले बाउंस पर गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 36 पे पहुंचा स्कोर, 10 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन। इस बीच गेंद लंबा हिट है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट हो गए पप्पू।
देखिए किस तरह से आउट हुए बैट्समैन, दूसरा झटका लगाए, 9 गेंदे और 28 रन, नए बैट्समैन डगआउट से निकलते हुए। गोटिया आए नए बैट्समैन, एक गोटिया अंपायर है जो सारे हिंदुस्तान में नाच नाच के मनोरंजन कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज, सामना करेंगे बैट्समैन रुपेश। गोटिया नॉन स्ट्राइक पर, इस मरतबा बहुत तेज गेंद थी, झुक के खेलने की कोशिश, कट के अंदर की जानी बाई थी, रन फिर से चुरा लिया लेग पाए। 37 रन हो चुके हैं, अब हर गुजरती गेंद के साथ मसोबा पिंपलास पे दबाव बढ़ता हुआ, क्योंकि 8 गेंदों में 27 रन चाहिए। सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक, स्टीयर कर दिया गैप में, तेज आउटफील्ड पे गेंद सरकती हुई 4 रनों के लिए। ताकत ज्यादा और नजाकत ज्यादा और ताकत कम, बहुत खूबसूरत शॉट, बल्ले के मुंह को खोल के लेट कट किया था गली के बगल से, 4 रन। 7 गेंदों में अब जीतने के लिए 23 रन चाहिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर गोटिया ने, गोटिया का खाता खुला, 7 गेंदे 23 रन। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है। सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गोटिया के लिए, इस मरतबा व्हाइट, अब 7 गेंदों में 22 रन। ये बचने का तो तरीका नहीं है, दुनिया में कई गलियां हैं लेकिन क्रिकेट में कोई भी ऐसी गली नहीं जिससे आप बच के निकल जाए। 7 गेंदों में 22 रन, अब क्या कहने जा रहे हैं बैट्समैन को, चौका मारा है मारे के ना मारे। भिवंडी टेनिस क्रिकेट की भी एक अजीब कहानी है, ओपन क्रिकेट जो हुआ था बाली ट्रॉफी में, एक बार भी किसी बल्लेबाज ने ओपन के गेंद को नहीं देखा, यहां 6 लगने के बाद गेंद को देखा जाता है। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, ऑफसाइड में गेंद चली, ऑन साइड में गेंद गई ऑफसाइड में, 1 रन, 1 ओवर और 21 रन। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन 20 बन जाए तो और मजा आ जाएगा। फील्ड तुरंत सजाना है, गोटिया सामना करने जा रहे हैं, 1 ओवर 21 रन और गेंदबाजी के लिए देखना है किसको लगाया जा रहा है। सोमेश को भी उस वक्त लगाया जा रहा है जब आधे से ज्यादा हमारी ऑडियंस सो चुकी है। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, उनकी गेंदे काफी नीची भी रहती है। सोमेश सामना करेंगे गोटिया, दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड, 1 ओवर 21 रन। पहली गेंद नीची रही थी, बैकफुट पे चले गए, टैप किया गेंद को, बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ नहीं, बढ़िया फील्डिंग। 5 गेंदों में 20 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए।
सोमेज, सामना करेंगे बैट्समैन रुपेश। अराउंड द लेग्स बॉल, परफेक्ट गेंद, बेल्स के आज जल उठी मानो बल्लेबाज का दिल जल उठा। अब चार गेंदों में 19 रन चाहिए, चार में 20 चाहिए लगभग। विकी स्पोर्ट चामिंद्रा आप सुगंध पाती भी, जबकि नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। सागर, सागर को रनों का सागर बनना होगा। गेंदबाजी कर रहे हैं सोमेश, चार गेंदे 20 रन। शामिंद्रा ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी और विजय ने वाकई में विजय भरी बारी खेली थी 27 रनों की, और आतिश कप्तान ने 20 रनों की। वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बहुत महंगी पड़ी। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में मोटा सिरा, गेंद पीछे की ओर जा रही है, गेंद को उठाया है लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब तीन गेंदों में 19 रन चाहिए, कोई वाइड या नो ना रहे, और तीन गेंदों में तीन सिक्सर लगाएंगे तो जाकर मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये रिवर्स खेलना चाहते थे। अब लगभग सोमेश ने साबित कर दिया कि मैच उनकी गिरफ्त में, विकी स्पोर्ट चामिंद्रा लगभग जीत के दौर को खोल चुकी है। अभी तक नॉक कर रही थी लेकिन दरवाजा खुलता हुआ। दो गेंदों में 18 रन, इस ग्राउंड पे एक गेंद में 13 बन चुके हैं। अच्छी गेंद, स्वीप करने की कोशिश विकेटों के ऊपर से, देखना है कि अंपायर का वाइट का इशारा, शरीर को नहीं टकराई थी। दो गेंदे 17 रन। इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक आउटफील्ड में, एक रन। एक गेंद चामिंद्रा को जीत के लिए चाहिए। इसके साथ ही चामिंद्रा ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन विकी स्पोर्ट चामिंद्रा, आतिश इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने टीम को विजय दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो है विजय, 27 रनों की बारी। इज ओवर टू मनोहर तरे। थैंक यू। हॅलो, विकी स्पोर्ट चामिंद्र संघाला योगेश गुळवे निंबोली यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, धन्यवाद। आजच्या दिवसातील शेवटची मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच व्यासपीठावर आपण देतोय। स्टेजवर लवकर यायचं खेळाडू। मॅचचा पुरस्कार आपण स्टेजवर देतो, गिफ्ट टेम्पल आमच्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते, तसेच सुंदर लखलख दी चमचमती मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी जी स्पॉन्सर केली SDF ग्रुप, दिलीप नाईक, सुरेंद्र पाटील, धन्यवाद। शुभरात्री, दुपारी 1 वाजता नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।